इनफ इज इनफ। क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये जो एक कंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए। इस बंदे ने पूरी ताकत लगा के एक प्लान पास कर दिया। क्या प्लान था? प्लान है भाई रवांडा प्लान। नो मोर प्रिवारिकेशन, नो मोर डिले। पार्लियामेंट वुड सिट देयर टुनाइट एंड वोट नो मैटर हाउ लेट इट गोज। नो इफ्स नो बट्स, दीज फ्लाइट्स आर गोइंग टू रवांडा। ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पर डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर। स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग पर लंदन हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की एक स्कूली छात्रा की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। मसला ये है कि सबसे ज्यादा मुसलमान गंदबाजी भी तो इन तीन मुल्कों में कर रहे हैं ना भाई। मुसलमान इंसान का बच्चा बनकर रहे, जैसे सऊदी अरब में रहता है, जैसे इमारात में रहता है, बहरेन, कुवैत, कतर, ओमान, उधर सब रहता है, तो फिर किसी को मसला नहीं है। को इन सारों को बाहर निकालो, कैसे भी करके बाहर निकालो, क्योंकि ब्रिटेन को पहली बार फील हुआ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। तो अब यह है कि ऋषि सुनक ने फिर इस पास होने के बाद स्पीच की कि पहली फ्लाइट रवांडा को 10 से 12 हफ्ते में रवाना हो जाएगी और रेगुलर रिदम के साथ ये मल्टीपल फ्लाइटें चलेंगी और पूरा समर हम इसमें लगे रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो किश्तियां भर भर के इंग्लैंड आ रही हैं उनको डिस्करेजमेंट होगी, वो फिर देखेंगे कि अरे भाई हमें तो वो रुवांडा भेज देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अब ये विल नजर आ रही है सरकार की और सरकार इनको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऋषि सुनक ने कहा कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं, आप कुछ भी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे और इससे बड़ा फायदा होगा, इंग्लैंड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे फिर जो राइट विंग का वोट है वो यूनाइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वालों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इस ऐलान को, और इससे एक्सट्रीम राइट का वोट कंजर्वेटिव की तरफ वापस आएगा। आप लोग किन चक्करों में पढ़ रहे हो? और अगर इतनी ही नमाज पढ़नी थी फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में क्यों? मुझे तो ये, मैं इमिग्रेंट से पूछना चाहता हूं, मैं तो जो इमिग्रेशन वाले हैं ये यूके वाले ना, दे डिजर्व इट, मैं बता रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज दे डिजर्व इट, एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले, तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, यूके की बात चल रही है, व्हाई डोंट यू गेट मुस्लिम्स from Saudi Arabia? Why don't you get Muslims from the UAE? You will get good educated cultured people into UK. UK will be better as a country if you get people from Muslims from these countries. Why do you have to get people from Yemen and Pakistan and all these nonsensical countries? Syria, yehi log karte hain yahan pe gande, Lebanon aur ye Palestine aur ye sab dramebaz, inhi logon ko zyada khujli hoti hai. Maine kabhi kisi Arab sheikh ko nahi bola yaar, wo apna, aur wo asli musalman hai भाई, वो असली मुसलमान है, वो जाते हैं अपना नमाज पढ़ते हैं, पांच वक्त का सब कुछ करते हैं और बड़े स्टाइल से, बड़े सोफिस्टिकेशन से, बड़े तरीके से काम करके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मेरे नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं यार, बड़े जहीन लोग हैं वो। ये खुजली यहां पर है, देखो यार वहां पर हिंदू भी रहते हैं, कभी किसी हिंदू ने ये, और मैं सारे मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा है, यूके के सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी आपने ये देखा है कि हिंदू ने बोला कि स्कूल को रोको, अब यहां पे पूजा पाठ होगा, यहां पे आरती होगी, मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायोलॉजी, फिजिक्स सब बंद करो, सबसे पहले आरती होगी, कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा आपने। सिखों को आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं अभी कुछ समय के लिए दुबई में था और अरबों को मैं पहले से जानता हूं, आज से नहीं जानता, काफी पहले से जानता हूं, तो मेरे जान पहचान है, उनके साथ उठना बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों होता है, ये कुछ कुछ देशों में क्यों होता है?
ये पूरे आलम इस्लाम की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सऊदी अरब में ये सब करिए ना तो मार मार के उल्टा लटका देंगे सऊदी अरब में, करके देखो। सऊदी अरब में तो उसने बोल दिया लाउड स्पीकर बंद करो, लाउड स्पीकर बंद कर दो, एक लेवल बता दिया कि इस लेवल के ऊपर अगर आवाज गई तो फिर देखना पुलिस आएगी और फिर पुलिस डंडे से बात करेगी, जबान से बात नहीं करेगी। इफ्तारी जो होती है जिससे रोजा खोला जाता है वो बोल दिया कि मस्जिद के अंदर नहीं होगी, बाहर चलो। कोई डोनेशन कलेक्शन नहीं होगा मस्जिद के अंदर, बाहर चलो। ऐसे ऐसे रूल्स हैं और ये ऐसी जगह रूल्स हैं दोस्तों जहां इस्लाम पैदा हुआ है, सऊदी अरब में तो पैदा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद तो सऊदी अरब के थे, टू होली मॉस्क्स मक्का के और मदीना के सऊदी अरब में तो हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भारत में कि केरल में एक लड़की आई और वो उसको पता नहीं अलकायदा वलकायदा वाले बड़ा प्रेस कर रहे हैं, अलकायदा वाले कह रहे हैं कि तो बहुत ही तगड़ी ये लड़की है, इसने हिजाब के ऊपर लड़े। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब चीजें मैटर आपके घर के लिए है। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी रहने जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है। अब आप कहोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम असलियत में पता है क्या है, आप अभी देखिएगा नेट में सर्च कीजिए, मैं यहां पर अभी नहीं डाल पाया, नेट में सर्च कीजिए आपको मिलेगा एक प्लान, एक वर्ड जिसका नाम है ग्रूमिंग गैंग। अब भाई ये ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं? ग्रूमिंग गैंग समझो, यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है, लिटरली यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है। एक सेकेंड, यहां सुवेला ब्रेवरमैन, हालांकि इंडियन ओरिजिन ही है इनका, इनका एक वर्ड था और वो था ग्रूमिंग गैंग। इन्होंने ओपनली इस ग्रूमिंग गैंग के ऊपर पूरे का पूरा एक बयान दिया और एग्रेसिव बयान दिया और ये कहा कि ब्रिटेन को इस ग्रूमिंग गैंग से बचना चाहिए। ग्रूमिंग गैंग क्या है? पाकिस्तान से और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं इनसे या जो भी मुस्लिम्स गए हुए हैं, यूरोपियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया गया है। फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म करने का मतलब कि वहां पर मां बाप कब आप एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। मां कहती है भैया तू बाप के पास रहे, बाप कहता है तू मां के पास रहे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों रखने को तैयार नहीं है और दोनों के आपस में कलेश इतने ज्यादा हैं कि दोनों अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे और फैमिली का इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है, बच्चा अकेला हो चुका है। मां अपने आप अपने किसी दूसरे तीसरे चौथे हस्बैंड के साथ बिजी है, बाप अपनी तीसरी चौथी पांचवीं वाइफ के साथ बिजी है, बच्चा कहां जाए पता नहीं। ऐसे में बच्चा अकेला हो जाता है। उस अकेले बच्चे को टारगेट किया जाता है, मेनली लड़कियों को टारगेट किया जाता है, 12-13 साल की लड़कियां, और उनको ग्रूम, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है। पहले एक बंदा खुद इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं वहां पर। अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट।